पंकज हाँ हेलो। जान को कहीं नारी जानू फोटो को नहीं तारी कहीं नहीं। अबाउली। अरे फोटो तो छोड़, तू मास्टर को सुमित आवाज नहीं गई यार। आ गया आ गया। एक मानो आ रही तू कौन बैंक से? अरे आप लोग बैठे जाए कर वो फिर आपने फोटो तो आवाज आ जाएगी प्रॉपर। अरे तो एक मतलब आपने आवाज डाली भी कर और तो वापस वो कर दो यार। सुमित आवाज आ रही है क्या? इसकी इसकी आवाज बंद कर दो। हेलो हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। सुमित आवाज आ रही है बेटा? सुमित सैनी। हाँ सर आवाज आ रही है पर आप आप वीडियो म्यूट कर दीजिए। हाँ सर कर दी। ठीक है बेटा आज अपन पढ़ेंगे सुमित आप अपना वीडियो म्यूट कर दीजिए। ओके आज अपन कल पढ़ रहे थे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। कल हम क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और इसमें हमने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली थी कि ये पूरा बड़ा क्वेश्चन हमें बोर्ड में देखने को मिलता है, ऐसे कैसे आता है राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। इसमें हमने तीन चुनौतियों की बात की थी। पहली चुनौती थी राष्ट्र की एकता स्थापित करना, एकता स्थापित करना। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की, और लोकतंत्र स्थापित करना। और तीसरी चुनौती थी समानता के साथ विकास करना, समानता के साथ विकास करना। ये तीन बातें हमने कल यहां से शुरुआत की थी और हमने एक टॉपिक इसमें कंप्लीट कर लिया था कि राष्ट्र की एकता स्थापित कैसे की जाए। हल्का सा हम इसे रिपीट करते हैं और फिर दूसरी चुनौती को देखते हैं। राष्ट्र की एकता स्थापित करने की बात में क्या क्या था? हमारे यहाँ संप्रदाय कैसे थे? बहुत सारे थे। संप्रदाय कैसे थे? बहुत से, यानी कि संप्रदायों का क्या था? बाहुल्य था। हमारे यहाँ धर्म कैसे थे? बहुत सारे धर्म थे। और हमारे यहाँ संस्कृति कैसी थी? बहुत सारी संस्कृति थी। हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं थी। आप जानते हैं 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी?
जब एक देश हम बनाते हैं तो उसके लिए संप्रदाय एक होना चाहिए, धर्म एक होना चाहिए, संस्कृति एक होनी चाहिए, भाषा एक होनी चाहिए, ये हम सब अच्छे से समझते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारे संप्रदाय के जो लोग हैं आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे, आपस में विवाद हो सकता है, आपस में टकराव हो सकता है, बहुत सारे धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनकी विचारधारा अलग अलग होती है, उनकी आराधना की स्थिति अलग होती है, उनकी उपासना की स्थिति अलग होती है। तो ऐसे में यहाँ भी क्या हो सकता था, टकराव संभव था। आप जानते हैं इंडिया मल्टीपर्पज कल्चर है, यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियां पाई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, राजस्थानी, महाराष्ट्री, जम्मू कश्मीरी, असम, बहुत सारी संस्कृतियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं। किसी एक संस्कृति को देश के लिए अपनाना इम्पॉसिबल कंडीशंस थी, ऐसे में हम किस प्रकार से एक संस्कृति देश के लिए लाएं, संस्कृति को देश के लिए किस प्रकार से चुना जाए, ये भी एक बड़ा सवाल हमारे पास था। उसके बाद भाषा, आपको याद रखना है, कंपटीशन का शानदार सवाल है, संविधान सभा में, संविधान सभा में सबसे बहस वाला या विवाद का मुद्दा, बहस समझ रहे हो, डिबेट्स, इस पर बहुत ज्यादा वार्तालाप हुआ हो, संविधान सभा में सबसे ज्यादा विवाद या बहस वाला मुद्दा कौन सा था, भाषा का था। और एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया था, साउथ इंडिया की पॉपुलेशन ने कहा कि यदि हिंदी भाषा उन पर थोपी गई तो वे साउथ इंडिया को अपने आप से खो देंगे, यानी कि साउथ इंडिया और पूर्वोत्तर भारत में कौन सी भाषा चलती है, हिंदी भाषा नहीं चलती, वहां की लोकल लैंग्वेज चलती है या अंग्रेजी भाषा चलती है। यदि हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाया गया तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें इनके सामने आने वाली हैं। ऐसे में भाषा का जो मुद्दा था वो विवादित रहा। दूसरा, मतदान, इसको लेकर किसी प्रकार का कोई ज्यादा विवाद हमें संविधान सभा में देखने को नहीं मिलता है। यहां तक की बात क्लियर, पहला बिंदु हमारे यहां सबका क्लियर हो चुका है। इसमें क्या क्या था, राष्ट्र निर्माण में एकता में क्या समस्या थी, संप्रदाय बहुत सारे हैं इनमें विवाद हो सकता था, धर्म बहुत सारे हैं टकराव हो सकता है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, संविधान सभा में जो मुद्दा था वो किसका था, भाषा का ही था। इसके बाद सेकंड चुनौती जो हम हैं वो देखते हैं, आप देखें सेकंड चुनौती हमारी थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। आप देख चुके हैं कि जनता का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अंग्रेजी में इसे क्या कहा गया है, डेमोक्रेसी। क्या कहा गया है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किन शब्दों से बना है, दो से, पहला डेमोस और दूसरा क्रेटिया। पहला कौन सा शब्द है, डेमोस, और दूसरा कौन सा है, क्रेटिया। डेमोस का अर्थ क्या होता है, जनता का, और क्रेटिया का अर्थ क्या होता है, शासन। इसका मतलब क्या हुआ, जनता का शासन, पीपल गवर्नमेंट्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, दूसरी चुनौती, किसमें, राष्ट्र निर्माण में दूसरी चुनौतियां। टोटल कितनी थी, 3 चैलेंजिंग टॉपिक्स थे, उसमें सेकंड कौन सा है, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, लोकतंत्र स्थापित करना। इसमें लोकतंत्र को हम और क्या कह सकते हैं, जनता का शासन, ऐसा शासन जिसमें अंतिम शक्ति किसके पास हो, जनता के पास हो, क्या कहलाता है, जनता का शासन या लोकतंत्र कहलाता है।
इसे हम क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कितने शब्दों से बना हुआ है, पहला कौन सा है डेमोस, दूसरा कौन सा है क्रेटिया। डेमोस का अर्थ क्या है, जनता, और क्रेटिया का अर्थ क्या है, शासन। ये भी अपने को हल्का सा याद रखना है। अब हम देखते हैं चुनौतियों में लोकतंत्र की चुनौती। आप जानते हैं भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अनिवार्य क्या है, मतदान अनिवार्य है। आप जानते हैं मतदान भी कौन सा, सार्वभौम मताधिकार, कौन सा, सार्वभौम मतदान या मताधिकार एक ही बात है। इसे एडल्ट वोटिंग सिस्टम या यूं कहें कि वयस्क मताधिकार भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, वे भारत के नागरिक जिनकी आयु 18+ हो चुकी है तथा निर्वाचन सूची में उनका नाम है। निर्वाचन सूची में क्या है, उनका नाम है, तथा उनके पास वैध पहचान पत्र है। वोट या मताधिकार प्राप्त करेंगे या कर सकते हैं। हमें याद रखना है व्यस्त मताधिकार की परिभाषा की यदि हम बात करें तो इसमें सिंपल सी बात है कि सार्वभौम मताधिकार या मतदान किसे कहते हैं, वे भारत व्यस्त मतदान किसे कहते हैं, वे भारत के नागरिक जिनकी आयु कितनी प्लस हो गई है, 18+ हो गई है, तथा जिनका नाम किसमें है, निर्वाचन सूची में शामिल है, तथा उनके पास क्या है, वैध पहचान पत्र है। वो क्या डाल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। ये परिभाषा हमें याद रखनी है। कंपटीशन में पूछा जाता है कि एक मतदाता के लिए क्या अनिवार्य शर्तें हैं, तो पहली शर्त तो क्या, 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, निर्वाचन सूची में उसका नाम भी होना चाहिए, तथा उसके पास वैध पहचान पत्र यदि है तो वो क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मनोहर, सोनू, आप ये वीडियो म्यूट कर दीजिए। सोनू, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आई। लगभग जब देश आजाद हुआ तो 38 करोड़ की जनसंख्या हमारे पास थी, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। यदि हम 1947 में देखें तो ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि इनके लिए मतदाता सूची को तैयार करना आसान काम नहीं था। हम सोच सकते हैं कि आज वर्तमान में मतदाता सूची को तैयार करना हमारे लिए कितना पजल काम हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जनगणना के आंकड़े स्थापित करते हैं या जनगणना के आंकड़े कलेक्ट करते हैं, उसमें कितनी समस्याएं हमें सामना करनी पड़ रही है। तो वर्तमान में यदि हम देखें तो मतदाता सूची नए सिरे से तैयार अगर करने को कहा जाए तो ये बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। 1950 के दशक में
जब निर्वाचन आयोग बना उस समय मतदाता सूची तैयार करना हमारे लिए बहुत टेढ़ा काम था। तो पहला बिंदु आप याद रखेंगे कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि मतदाता सूची तैयार कैसे की जावे। दूसरा यदि हम देखें तो आप जानते हैं लोकतंत्र में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, शिक्षा का। शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है लोकतंत्र में। सही गलत या यूं कहें उचित अनुचित, या यूं कहें सार्थक व्यवस्था, यूं कह सकते हैं सार्थक व्यवस्था, कौन सही है कौन गलत, इसे चुनने के लिए किसका होना अनिवार्य है, शिक्षा का होना अनिवार्य है। और शिक्षा इतना आसान काम नहीं था क्योंकि आज वर्तमान में यदि हम शिक्षा का एवरेज राजस्थान में देखें तो 79% पुरुषों का और 66% महिलाओं का निकल कर आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे पास दूसरी समस्या क्या थी, शिक्षा की थी। तीसरी समस्या की यदि हम बात करें तो इसमें तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी जनता को मतदान के लिए प्रेरित करना। किसके लिए, जनता को मतदान के लिए क्या करना, प्रेरित करना। प्रेरित करना, मोटिवेट करना या घर से बाहर निकालकर वोट डलवाने के लिए राजी करना, ये बड़ा कार्य था। बहुत सारे विद्वानों ने यहां तक कहा कि लोकतंत्र छोटे देशों के लिए सही है। क्या कहा, लोकतंत्र किसके लिए सही है, छोटे देशों के लिए तो सही है लेकिन बड़े देशों के लिए सही नहीं हो सकता। छोटे देशों में आसानी से क्या करवाए जा सकते हैं, चुनाव करवाए जा सकते हैं, आसानी से बहुत सारे डेमोक्रेटिक कार्य हो सकते हैं, मतदाताओं का नाम तैयार हो सकता है, शिक्षा की सूची तैयार हो सकती है, सारे कार्य आसानी से संभव हैं। लेकिन बड़े देश, भारत जैसे देश उस जमाने में भी बहुत बड़ा था। आज तो हम विश्व की सेकेंड पॉपुलेशन है, फर्स्ट चाइना और सेकंड कौन है, इंडिया। ऐसे देश में लोकतंत्र आसान कार्य नहीं था। इसके बाद अगर हम देखें तो लोकतंत्र में आप जानते हो भीड़ तंत्र भी होता है। भीड़ तंत्र के लिए हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है, किस प्रकार से मतदान होगा, उनके वोटिंग का मूल्य क्या है, और वो भीड़ चाल में चलते हैं, यहाँ पर चुनाव को प्रभावित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या देश में लोकतंत्र टिक पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने था। हमने इसके एग्जाम्पल बांग्लादेश में देखने को मिले, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, सीरिया, बहुत सारे देश जिनमें पहले क्या था, लोकतंत्र, फिर क्या आया, राजतंत्र या तानाशाही आ गई। तो क्या भारत में लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा, ये बड़ा सवाल था। कब, 1947 में ये बड़ी चुनौती हमारे पास थी। तो दूसरी चुनौती यहां हमारे पास कंप्लीट, सार्वभौम व्यस्त मताधिकार किसे कहते हैं, ऐसी मतदान की व्यवस्था जिसमें भारत का नागरिक जिसकी उम्र कितनी हो, 18 वर्ष की हो चुकी हो, निर्वाचन सूची में उसका क्या हो, नाम हो, और उसके बाद वैध पहचान पत्र हो, वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वैसे सार्वभौम व्यस्त अधिकार का मतलब क्या है, बिना किसी भेदभाव को समानता से क्या डालना, वोट डालना, क्या कहलाता है, सार्वभौम मताधिकार कहलाता है। यानी कि बिना किसी भेदभाव के क्या डाला जाए, वोट डालने का अधिकार यदि दिया जाए तो क्या कहलाता है, सार्वभौम व्यस्त मताधिकार कहलाता है। यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आई, मतदाता सूची तैयार करने में हमारे पास समस्या थी, शिक्षा हमारे पास नहीं थी, यानी कि हमारी जो जनसंख्या थी वो बहुत ज्यादा कैसी थी, अशिक्षित थी, और ऐसी अशिक्षित जनसंख्या को
हम कितने दिन तक शिक्षा कर पाते, जागरूक कर पाते, लोकतंत्र के प्रति आकर्षण कर पाते, ये बड़ा सवाल हमारे पास था। लोकतंत्र कैसे देशों के लिए होता है? छोटे देशों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बड़े देशों के लिए लोकतंत्र इतना आसान काम नहीं है। फिर जनता को घर से निकालकर, उस जमाने में, आज भी आपने सुना होगा, हम मतदान करने क्यों जाएं? क्या हमारे को राशन मिलेगा, क्या हमें पैसा मिलेगा, क्या हमारे लिए ये कुछ किया है इन्होंने? वैसे बहुत सारे सवाल आज हमसे पूछे जाते हैं। तो उस जमाने में क्या मतदान के लिए हम प्रेरित कर पाते, ये सारे सवाल चुनौती के रूप में हमारे पास थे। इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग कब बना? 1950 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन साहब थे। कौन थे? सुकुमार सेन साहब थे। किसके अध्यक्ष? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे। तीसरी चुनौती हमारे पास है, समानता स्थापित करना। समानता स्थापित करना। आप जानते हैं कि उस जमाने में आपने, उस जमाने पर आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, बहुत सारे नाटक देखे होंगे, और उन सब का एक ही मात्र उद्देश्य होता था, अस्पृश्यता। क्या था? अस्पृश्यता, या क्या कह सकते हैं, छुआछूत। जितने भी सीरियल्स आपने देखे पुराने जमाने के, उनमें सबसे बड़ा जो मुद्दा होता था वो कौन सा होता था? अस्पृश्यता या छुआछूत का मुद्दा होता था। तो उस जमाने में हम क्या एक साथ सबको ला पाएंगे, ये बड़ा मुद्दा था। आर्टिकल 17, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 17, कौन सा मौलिक अधिकार? समानता मौलिक अधिकार के तहत, समानता मौलिक अधिकार के तहत छुआछूत को या अस्पृश्यता को, या अस्पृश्यता को निषेध किया गया है। क्या किया गया है? निषेध किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछा गया है, आपको याद रखना है, हर कंपटीशन एग्जाम में भी ये सवाल आता है। अस्पृश्यता छुआछूत को निषेध करने का कार्य कौन से आर्टिकल में किया गया है? अनुच्छेद 17। हमें थोड़ा सा आगे और जानना चाहिए, इसीलिए इसमें क्या है, समानता मौलिक अधिकार के तहत। कौन सा मौलिक अधिकार? समानता। कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे मूल संविधान में? 7। हटाया कौन सा? संपत्ति का। कब हटाया गया? 1978 में। कहां जोड़ दिया गया? 300A में जोड़ दिया गया है। कौन सा अधिकार बनाकर? कानूनी अधिकार बना कर। तो ये भी थोड़ा सा साइड में अपने को ध्यान में रखना है कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? 7। अभी कितने हैं? 6। हटाया कौन सा गया? संपत्ति का। कब हटाया गया? 1978 में हटाया गया। कौन से आर्टिकल में जोड़ दिया गया है? 300A में जोड़ दिया गया है। कौन सा अधिकार बना दिया गया? पहले तो कौन सा था? मौलिक अधिकार। अभी कौन सा है? कानूनी अधिकार। अब कानून के तहत ही संपत्ति अर्जित की जा सकती है। हम क्या पढ़ रहे थे? समानता स्थापित करने की चुनौती। तो हमारे समाज में क्या था? जात पात, छुआछूत, ये सब सारी चीजें थी, और इसको हटाने के प्रयास हमें करना उस समय जरूरी था। मूल संविधान में भी किया गया, लेकिन ये क्या हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल हमारे पास था। इसमें कोई सवाल पूछना हो तो बताएं, क्लास कंप्लीट होने वाली है, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। ये हमारा यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां टॉपिक हो गया है कंप्लीट। कार्तिक, सोनू,
जितेंद्र कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। नहीं सर सब इट्स ऑल राइट। क्या कह रहे हैं? नहीं सर समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके। इसमें एक चीज अपने को और ध्यान रखनी है कि भारत के संविधान को इन तीनों चुनौतियों को मिटाने का चैलेंज भी उसके पास था कि इन तीनों चुनौतियों राष्ट्र की एकता स्थापित करना कैसे संभव होगा, लोकतंत्र के लिए जो नियम बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा के नेतृत्व में हमने बनाए थे उनको अब इम्प्लीमेशन का लागू करने का काम था, समानता कैसे स्थापित की जाए ये भी अब प्रैक्टिकली हमारे पास आना बहुत जरूरी था और प्रैक्टिकली क्या ये संभव हो पाएंगे या नहीं ये हमें देखना जरूरी था। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे विभाजन की।